हमें देखा देखा मलिंगा चाचा किस तरीके से तुम्हारी टीम को नंगा करके हमने कूटा। 73वीं सेंचुरी ठोक करके तुम्हारा टीम का पिछवाड़ा लाल कर दिया। पूरे 67 रन से हरा दिया हमने पहला बंडे बूटने वालों को। अरे बाबा खोल भाई, आजकल तो तुम्हारी टीम बंडे और T20 बहुत भौकाल मचा रही। पहले लंका को तुमने T20 2-1 से हरा दिया, उसके बाद में बंडे 1-0 से हरा दिया। लंका वालों को तो नमने नंगा कर दिया भूटनी वालों को। हमें काम है का डिविलियर बाया का भूल गए, हमने भी शतक बार ठोक करके इनके बॉलरों का पिछवाड़ा लाल कर दिया। पूरे 108 रन ठोक दिए भूटनी वाले। अरे बाबा क्या बात है, लंका के छपरी कैप्टन आज तो तुमने शतक बार ठोक करके लंका की लाज बचा ली, लेकिन भूटने का तुम मैच बार हारने से नहीं बच सके। पूरे 67 रन से बेइज्जती करवा दी ना तुमने भूटनी के। हमें नंगा चाचा, हम अकेले क्या करते, हमारा एक भी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आज हम पहला बंडे जीत जाते, इंडिया वालों को हरा देते, 373 रन का टारगेट चेस कर देते भूटनी के। हमें काम है का भूटनी के सनकुआ, तुम ऐसे कैसे चेस कर देते का हमरे कोहली के, तुम सेंचुरी बर्बाद कर देते भूटनी का। कोहली ने इतने दिनों बाद 73वीं सेंचुरी मारी, तुम बर्बाद करने पे टुले थे भूटनी के। हमें डिविलियर भाया तुम जे अपने कोहली परम मित्र को समझा ले, इतने सचरी का आज हमको इतना कूटा पूरे 10 ओवरों में 88 रन कूट दिए। अगर हम इसको आउट न करते आज हमारा ये शतकबा बनवा देता भूटनी का। हमें भूटनी के रजीटा, हमने तेरे को कितनी बार समझाया, जिस दिन किंग कोहली फॉर्म में होया कर उस दिन सामने बॉल डाल लेना, या नहीं तो सचरी का तुम्हारी बॉलिंग पे दोहरा शतक ठोंक देगा किंग कोहली। हमें सुनो बे सुनो, लंका के छपरी कैप्टन और बॉलर, इस बार तुम एक भी बंडे अगर जीत करके नहीं आए इंडिया से, तो फिर ससुरी का हम लंका में नहीं खुलने देंगे, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करेंगे और समुद्र में बांध देंगे भूटनी के तुम लोगों को।